हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस प्रकार से ये फूल देख लीजिए, पौधा देख लीजिए। ये आपको अपने घरों के आसपास में जो खाली जमीन रहती है, बंजर जमीन है, वहाँ पे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। बहुत बड़ा आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों, इसे कभी भी भूल करके आपको नहीं छोड़ना है। इसका औषधि प्रयोग आप जान लेंगे ना आज की इस वीडियो में हमारे, तो यह जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगे। और ये कोई साधारण पौधा नहीं है, इसे बहुत सारे बीमारियों को आप चुटकियों में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। इसे केमुक के नाम से जाना जाता है, वैसे प्राय ग्रामीण इलाकों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इसका फायदा बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं केमुक क्या है। तो आयुर्वेद की किताबों में केमुक के बारे में चर्चा की गई। केमुक को केमुआ, केमु, केवु, कन, केवा भी कहा जाता है। वीडियो को छोड़ करके मत जाना, वैसे ये फूल देख करके पहचान ले। हो सकता है आज मैं आप लोगों को किसके बारे में जो जानकारी बता दूं, ये भविष्य में चल करके आपको काम आ जाए। उड़िया में इसे चिट्रो कफो के नाम से जानते हैं, और संस्कृत और हिंदी दोनों नाम इसका केमुक है। तो आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग को जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कॉमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं, या hariomcare305@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, कान के दर्द को ये ठीक करने का काम करते हैं। इसके कंद का रस 2 बूंद कान में डाल देने से कान में होने वाले भयंकर दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके छाल को कम मात्रा में लेकर के काढ़ा बना करके गरार करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। 5 से 10 मिलीलीटर इसके रस में मधुरस मिला करके बच्चे को पिला देने से पेट के कीड़े जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके कंद को भून करके शर्करा और इमली मिला करके चटनी बना ली से खाने से पेचिस और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या ठीक हो जाती है। इसलिए मैं बोला हूँ कि इसका बहुत सारा फायदा बताने वाला हूँ। आयुर्वेदिक दवा हमेशा काम आते हैं, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं। आप स्वयं के उपचार नहीं करना चाहते तो दूसरे के उपचार कर सकते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे जगहों पे फंस जाते हैं जहाँ पे मेडिकल नहीं होते, हॉस्पिटल सुविधा नहीं हो पाते, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में फंस जाते हैं, कभी कभी जंगलों या जंगली इलाके में फंस जाते, तो वहाँ पे इस प्रकार के आयुर्वेदिक दवा काम ही आते हैं। और ये हमारे शरीर मिट्टी का बना हुआ है दोस्तों, 5 तत्व से कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानने वाला। तो ये बहुत सारे बीमारी से आपको बचा सकते हैं, फायदे दे सकते हैं। कहीं भी रहेंगे आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आते हैं। मूत्र रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके तने का 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में ठंडा काढ़ा बना करके पीने से पेशाब के जलन और किडनी विकार में काफी लाभ मिलता है। चले किडनी की बात खुल गई, मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे मैं किडनी यानी कि जो किडनी में रहने वाले पथरी की परेशानी, उसे ठीक करने के लिए हमने बहुत सारे अपने इस वीडियो में तरीके बता चुके हैं ठीक करने के लिए। जो लोग किडनी की समस्या से परेशान रहते हैं यानी कि गुर्दे की पथरी से परेशान है, वो लोग ध्यान दे, 5 मिलीलीटर केमुक के जड़ के रस पीने से, ठीक है, इसके जड़ का रस पीना है, इसका काढ़ा बना करके पीना है, तो किडनी की पथरी या पित्ताशय वाले पथरी चूर चूर होकर के निकल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ये पौधे पहचान लीजिए, अभी नहीं तो बाद में ये पौधे की जो हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी बता रहे काम आएंगे। क्योंकि पथरी एक ऐसा भयानक समस्या है जो कभी भी किसी को हो सकती, भगवान न करे आपको हो, लेकिन भविष्य में हो जाएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। यह प्रयोग आप स्वयं सीखे रहेंगे तो दूसरे को उपचार बता सकते हैं, स्वयं के उपचार कर सकते हैं, लोगों को दवा दे करके पैसे भी कमा सकते हैं, वैद्य भी बन सकते हैं। इसलिए कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती। और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि वैद्य लोग आप लोगों को दवा दे देते हैं, चूर्ण बना करके दे देते हैं, लेकिन उस दवा का नाम नहीं बताते, सिखाते नहीं। बहुत से जो वैद्य लोग हैं, वैद्य भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ये केमुक के जड़ को इसका चूर्ण बना करके वो लोग धूप में सुखा लेते हैं, और इसके चूर्ण को 1 गिलास पानी में डाल करके आधे गिलास गुनगुना करने के लिए बोलते हैं। आधे गिलास जब पानी रह जाते हैं, शेष बच जाते हैं, तो पीने के लिए बोलते हैं। तो पथरी बिल्कुल ही पित्ताशय की हो, चाहे कहीं पर भी जो मूत्राशय मार्ग की पथरी हो, पेशाब नाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाते हैं। गठिया के दर्द हो रहा है तो इसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम इसके जड़ के चूर्ण को खाएं, गठिया के दर्द ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज है तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डायबिटीज आजकल घर घर की बीमारियां हो चुकी हैं, हर घर की। तो इसके कंद का काढ़ा बना करके सेवन करने से डायबिटीज में काफी लाभ मिलता है। ये नहीं कहूंगा कि डायबिटीज की बीमारी ठीक हो जाएंगे, लेकिन काफी लाभ मिलते हैं। तो ये थे कुछ इसके आयुर्वेदिक फायदे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी प्राचीन आयुर्वेदिक जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। हम जो भी आप लोगों को जानकारी बताते हैं दोस्तों, प्राचीन किताबों से बताते हैं, तो जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना दोस्तों। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।